इस वीडियो 7 अगस्त को होने वाला सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग कार्य स्थगित। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा होने के कारण 7 अगस्त को होने वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग कार्य स्थगित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश कर कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा होने के कारण 7 अगस्त को होने वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग कार्य स्थगित रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया पत्र। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा कि 1 अगस्त से लगातार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लगातार काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काउंसलिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान विभिन्न जिलों द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 7 अगस्त को होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया पत्र। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में कहा है कि 1 अगस्त से लगातार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लगातार काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंसलिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान विभिन्न जिलों के द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा 7 अगस्त को होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है। तीसरे दिन काउंसलिंग में इतने शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसके बाद विचार करने पर यह निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त को प्रस्तावित काउंसलिंग तत्काल स्थगित रहेगा। इस बीच सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी दिन अपने समय अनुसार होगी। 7 अगस्त को होने वाली काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगा। इस बीच सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी दिन सभी दिन अपने समय अनुसार होती रहेगी। शनिवार को तीसरे दिन भी काउंसलिंग पटना DRCC कार्यालय में हुई। शनिवार को तीसरे दिन काउंसलिंग के लिए 248 शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें 240 शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान मूल कागजातों की जाँच की गई। 7 अगस्त को होने वाला सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग कार्य स्थगित। यह था बिग अपडेट इस वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।